भाई 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 एयरपोर्ट नहीं अलग है, ये गवर्नमेंट में कहता है अलग अलग यूनिट ऊपर देखिए सामने, ये अलग अलग है, पुरानी एस्टेट है, बहुत पुराना। आम्ही बोलू बरोबर बोलू, तुम्ही तुम्ही शांत राहिले तर सगळं बरोबर होतं, बता दे। आम्ही सुरू करू का? एक कदम आई सुरू करू। अरे बाबा तिथे शांत राहा ना, थोडा थोडा मागचे लोक जरा शांत राहा। मला ग्राउंड सारखं जर्मन आप दोनों इधर आ जाओ, बस हाँ बस बस। आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री माननीय के चंद्रशेखर राव जी का मुंबई में आगमन हुआ है और मैं उनका यहाँ पर आदरणीय शरद पवार जी के निवास स्थान पर हार्दिक स्वागत करते हुए आदरणीय पवार साहब और राव साहब की पिछले एक डेढ़ घंटे से बातचीत यहाँ पर हो रही थी और इसके पूर्व राव साहब माननीय मुख्यमंत्री महोदय उद्धव ठाकरे जी को भी मिलकर आए हैं। स्वाभाविक है कि दोनों नेताओं की जब मुलाकात यहाँ हुई है तो औपचारिकताओं को छोड़कर राजनीतिक चर्चा भी, जो देश की परिस्थिति या बाकी भी जो मसले हैं उनको लेकर दोनों नेताओं में चर्चा हुई है और मुख्य तौर से आगे जाते हुए सभी एक विचारधारा रखने वाले जो नेता हैं, पक्ष है, उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलजुल कर और नज़दीकी के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हुए काम करना चाहिए और एकजुटता के साथ आज की परिस्थिति का मुकाबला करना चाहिए। ये मुख्य तौर पर बात हुई है जिसमें आदरणीय पवार साहब और केसी आर राव साहब की भी इसमें सहमति बनी हुई है। मैं फिर से राव साहब का यहाँ मुंबई में पवार साहब के निवास स्थान पर स्वागत करते हुए उनसे भी विनंती करूँगा कि वे अपने विचार रखें, उसके पश्चात आदरणीय पवार साहब भी अपनी बात को आपके सामने रखेंगे। पहले तो मैं माननीय पवार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने तेलंगाना राज्य बनने के समय में 69 में जो एजिटेशन हुआ था, तब से लेके तेलंगाना राज्य बनने का मुद्दा सफल होने तक जिस प्रकार का समर्थन दिया, सपोर्ट किया, हम पूरे ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। तेलंगाना जनता के ओर से, मेरे ओर से मैं उनको बहुत बहुत इस बात का धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि पहली बार मैं उनके घर पे आया हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। वो हमारे बुज़ुर्ग है, हमारे सीनियर नेता है, हम आज उनसे सलाह मशवरा भी करने आए हैं कि देश ठीक से नहीं चल पा रहा है, जिस ढंग से हमको विकास करना चाह रहे उस ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है, कुछ चेंजेस 75 साल के आज़ादी के बाद संभावित रूप का विकास देश में नहीं हुआ है,
तो इसके वजह भी इसके कारण भी हमें ढूंढना चाहिए कुछ नए संकल्प के साथ, नया आशा के साथ और नया एजेंडा लेकर के सारा देश को साथ लेकर चलने का वक्त आ चुका है। इसलिए पवार जी के साथ जो भी मेरे विचार थे मैंने रखा है। बहुत ही अनुभवी नेता है हमारे देश का काफ़ी, पहले उनका रिकॉर्ड भी है कि हिंदुस्तान का सबसे पहले यंग चीफ मिनिस्टर थे, उस समय से लेकर आज तक सेवा में लगे हुए हैं। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है और बता दिए कि बिल्कुल काम करने का ज़रूरत है इस देश में। इस बात पे हमारे सहमति हो गई है, जल्द से जल्द हम देश के अन्य लोगों से भी जो अन्य पक्ष है जैसे प्रफुल्ल भाई ने कह रहे थे, सभी से हम बात करेंगे और सभी मिलकर के इकट्ठा बैठेंगे। हो सकता है हम बारामत में भी मिले, पवार जी के पास ही सभी आके मिले, ऐसा भी एक प्रपोजल है। तो सभी लोगों से बात करके एक बैठक होगी जल्द से जल्द हमारा, कई लोगों का जो भी हमारे साथ वेवलेंथ जोड़ना चाहते हैं, हमारे साथ कांधे से कांधे मिलकर चलना चाहते हैं, उन सारे लोगों को जोड़ के काम को शुरू करेंगे। इतना आज तय हुआ है जो कि हमको सभी लोगों से बातचीत करके एक रास्ता अच्छा निकालने का समय तो लगता ही है, उसके बाद ही विस्तार रूप में हम देश के जनता के सामने एक एजेंडा पेश करेंगे। हमारा टाइम टेबल, हमारा कार्याचरण जो भी होगा वो सारे देश के सामने रखेंगे। धन्यवाद। हम हमेशा कोई भी जो राजनीतिक पार्टी के लोग इकट्ठा मिलते हैं तो हमारा डिस्कशन हमेशा पॉलिटिकल लाइन पर होता है, पर आज की मीटिंग अलग मीटिंग थी। आज की मीटिंग इस तरह से अलग थी कि आज देश के सामने जो समस्या है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे गरीबी हो, चाहे भूखबाजी हो, चाहे किसानों की आत्महत्या हो, पूरे देश के ऊपर ये जो स्थिति है, इससे रास्ता निकलने के लिए हम लोगों से मिलकर क्या करना चाहिए, आज ये हमारी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात पर यहाँ डिस्कशन हुआ, पॉलिटिकल डिस्कशन ज़्यादा नहीं किया इसीलिए कि जिस डेवलपमेंट से इशू आज बड़े महत्व के हैं और ख़ासतौर पर तेलंगाना में पूरे देश में कहीं भी नहीं इस तरह से कुछ कदम किसानों की भलाई के लिए जो उठाए हैं, एक रास्ता तेलंगाना ने देशवासियों को दिखा है। और इसलिए जो वहाँ के नेता और उनके सब साथी यहाँ आए थे, इन सभी से हमारी बात यही हो गई, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। आज जो इशूज है, खासतौर जैसे मैंने कहा बेरोजगारी और गरीबी, इससे कैसे छुटकारा लेना, इस पर ही डिटेल डिस्कशन हुआ। और ऐसे डेवलपमेंट इश्यूज के लिए एक बैठक पूरे देश में एक अलग माहौल बना सकते हैं तो वो माहौल बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। और इसके लिए फिर बैठेंगे, कहाँ बैठना है, कब बैठना है, ये तय करेंगे। जो उनका सलाह आएगा, जो उनकी सूचना आएगी, इस पर हम सब लोग उसी जगह पर मौजूद रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उठाओ, उठाओ, वासी दे दो।